हेलो, वेलकम टू स्टडी फोरम। स्टडी फोरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए गाइस, ये 31st वीडियो है प्रैक्टिस सेट का। हम लोग 50-50 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कंप्यूटर पूछे जाते हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं गाइस, जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, टाइप्स ऑफ HTML। ये जो सेपरेट इन पे सिर्फ वीडियो चाहिए होगी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन टॉपिक्स पे आप पढ़िए, इन सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी, ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, सिर्फ इसमें एमसीक्यूज़ कराएंगे। गाइज, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। इससे ये होगा कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी, यानी कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ये टोटली फ्री होता है। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए है। यहाँ पे फिल करिए है, आंसर है आपका, आंसर है 1 फर्मवेयर। फर्मवेयर इज़ अ प्रोग्राम दैट हैज़ बीन फिजिकली एस्ट ऑन टू अ चिप। ठीक है, तो ये फर्मवेयर कहलाते हैं। द टाइप ऑफ मेमोरी दैट मस्ट हैव कंटेंट पावर सप्लाई इज, तो कह रहा है वो टाइप ऑफ मेमोरी जो होती है मस्ट हैव ए कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई होती है, SD RAM। SD का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। वट टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज बींग यूज वेन एन स्टूडेंट्स बाय कंप्यूटर फ्रॉम Dell.com, तो इसको क्या कहते हैं गाइस, V2C। कहने के मतलब ऑनलाइन अगर हम बिजनेस टू कस्टमर होता है, इसको फुल फॉर्म होता है B2C होता है, बिजनेस से कस्टमर से तेल खरीदना चाहते हैं, तो इस तरीके का होता है ई कॉमर्स पे कंपनी पे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की बात कर रहा है ये। HTML इज द बेसिक लैंग्वेज ऑफ वेब पेज राइटिंग। वेब पेज राइटिंग जो होती है आपकी, या इंटरनेट की जो वेब पेज होती है, जो वेबसाइट खोलते हैं, वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की एक बेसिक लैंग्वेज होती है जिससे वो लिखे जाते हैं। The topology where all the nodes are attached in the circular wiring arrangement is called a ring topology. Is the right answer is a ring. Guys, topologies पे सारी videos upload हैं, star topology, bus topology, network, ring क्या क्या होती है, बड़ा detail में हमने discuss किया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही separate, बहुत अच्छी video वहाँ पर मिल जाएगी आपको। हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग, हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क कैच को इम्प्रूव करते हैं। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, रिप्रेजेंट डेटा एज अ बाइनरी नंबर, इट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम यूनिट। बाकी सिस्टम यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको आप पढ़िए, आंसर को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके ज़रूर इसको पढ़ लीजिए। वेयर आर द एडिटिंग ग्रुप एंड रिप्लेस कमांड फाउंड, तो एडिटिंग ग्रुप्स एंड रिप्लेस कमांड कहाँ पे हम फाउंड करते हैं गाइस, ऑन द होम टैब, आंसर इज अ 4 योर राइट आंसर। व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो डेटा इन अ कॉलम एंड रो डेटा इन अ रो, ठीक है ये रिपीट हो गया, इंसर्ट ट्रांसपोज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ट्रांसपोज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेंट्स रो एंड कॉलम्स, स्प्रीड सीट में क्या होते हैं, रो एंड कॉलम्स होते हैं। सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ डेटाबेस इन्फो, डेटाबेस प्रोग्राम, वेरी इजी है। टू इंसर्ट अ वर्ड इन टू अ मिडिल ऑफ सेंटेंस, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के मिड में कोई वर्ड आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, टू मूव अ कर्सर ऑन द डिजायर्ड लोकेशन ऑफ द सेंटेंस एंड टाइप द न्यू वर्ड, तो हम क्या करते हैं, कर्सर को वहाँ पे मूव करते हैं, वहाँ ले जाते हैं, और जो हमें टाइप करना है वो टाइप कर देते हैं, वहाँ पर वो लिख जाता है, वेरी इज। अ हाई स्पीड ट्रांसमिशन लाइन दैट कैरीज वैन ट्रैफिक इज कॉल्ड, तो देखिए ये क्या होगा गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा। हाई स्पीड ट्रांसमिशन लाइन दैट कैरीज वैन ट्रैफिक इज कॉल्ड, तो मैं आपको बता दूं, हालांकि इसका आंसर है, आंसर 2 इज राइट आंसर, P2PN, ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क इज अ राइट आंसर। सेकंड, DVD इज एन एग्जांपल, और DVD क्या एग्जांपल है, एक ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप आउटपुट डिवाइस नहीं कह सकते हैं, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस भी नहीं कह सकते हैं, ये ऑप्टिकल डिस्क होती है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ऑफ द फर्म्स ट्रांजेक्शन
एट वंस टाइम इज कॉल्ड, तो बैचिंग इसको कहते हैं, बैचिंग प्रोसेसिंग कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग कहलाता है। सेमी कंडक्टर मेमोरी इज नोन एज अ सेमी कंडक्टर मेमोरी, इसमें हालांकि सभी हैं, लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर योर इज ए, आंसर इज रैम। एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज अ होस्ट, एवरी कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज नोन एज, इसको कहते हैं होस्ट, कहते हैं उसको होस्टिंग। द स्पायरल शेप ट्रैक फॉर्मेटिंग इन द प्रेजेंट, इन द स्पायरल ट्रैक जो होती है वो किसमें फॉर्मेटिंग होती है, ट्रैक फॉर्मेटिंग इज प्रेजेंट इन, ये होता है ऑप्टिकल डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में होता नहीं, हार्ड डिस्क में नहीं होता है, ऑप्टिकल डिस्क में होते हैं वही गोल गोल। इसमें आंसर रेजिडेंट टाइप्स ऑफ वायरस दैट स्टे परमानेंटली इन द रैम मेमोरी। रेजिडेंट मतलब होता है गाइस घर बना के रहने लगे आपके रैम में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, तो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं गाइस, तो इमेज फाइल की बात करें जेपीजी होता है, जीआईएफ होता है, बीएमपी होते हैं, इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अ नंबर सिस्टम विच इज बेस ऑफ 2 इज रिफर टू एज, देखिए कह रहा है कि वो नंबर सिस्टम क्या होते हैं जिसके बेस होते हैं 2, बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फॉर प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज से क्या इसमें ट्रू नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द CPU, इट इज़ अ पार्ट ऑफ CPU। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज ओवर मशीन लैंग्वेज, तो क्या कह रहा है कि एडवांटेजेस ऑफ मशीन असेंबली लैंग्वेज ओवर मशीन लैंग्वेज क्या है, तो ईजी टू यूज, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू मॉडिफाई, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। VPN stands for, VPN stands for virtual private network. Virtual private network is the right answer. Which of the following is true about dial-up internet access? So, dial-up internet access related क्या सही है? Answer है, it utilizes the existing telephone services. Which of the following memories can be read directly by the computer processes? इसको मेन मेमोरी कहते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज कैन बी रीड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर प्रोसेसेस, इट इज अ मेन मेमोरीज इज अ राइट आंसर। द कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस इनसाइड द कंप्यूटर इज डन, देखिए कह रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस, कंप्यूटर से प्रोसेसर से और अदर डिवाइसेस से कम्युनिकेशन जो होता है किसके थ्रू होता है, बस के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who is the founder of Microsoft? Microsoft के founder कौन है, Bill Gates। Guys, सबके नाम Bill Gates तो पता होगा, लेकिन Alan Paul है भी हैं। Bill Gates और Alan Paul दोनों partner हैं, ये दोनों लोग मिलके Microsoft को चला रहे हैं आज भी। What is the difference between checkbox and radio buttons? Checkbox and radio button में differences क्या क्या होते हैं, अब देखिए क्या होता है। In a checkbox, multiple option can be सेलेक्टेड, चेकबॉक्स में क्या होता है मल्टीपल ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वेर इज रेडियो बटन ओनली वन, यानी सिंगल बटन कैन बी सेलेक्टेड। तो रेडियो बटन में क्या होता है, एक सिंगल बटन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट चेकबॉक्स में वी आर सेलेक्टेड मल्टीपल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मेमोरी चिप इज वोलेटाइल इट विल, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल है तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, हमारी मेमोरी की वीडियो हम देख लेंगे वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल क्या होता है डिस्कस किया हुआ है, हालांकि यहाँ पे देख लेते हैं वोलेटाइल होता क्या है। अब वोलेटाइल इज अ लॉस इट्स कंटेंट्स करंट इज टर्न ऑफ, वोलेटाइल जो होती है रैम होती है, जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं या पावर ऑफ कर देते हैं तो या शट डाउन कर सकते हैं, तो वहाँ पर डेटा जो होती है लॉस कर देते हैं हम, कंटेंट्स जो होता है ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का फंक्शन इसमें से क्या नहीं है गाइस, जिसको देखिए बाकी सारे ऑप्शन हैं सही, कीप द सिस्टम यूनिट कूल, तो ये माइक्रो प्रोसेसर का काम नहीं होता है। टू कनेक्ट अ वैन यू मस्ट हैव, तो वैन से कनेक्ट के लिए आपको क्या होना चाहिए, POP का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं बता पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको आंसर ज़रूर देंगे, आप आंसर ज़रूर पूछिएगा। ड्यूरिंग द ऑप्शन डिकोड, डिकोड ऑपरेशन कंट्रोल यूनिट डिटरमाइंस व्हाट प्रोग्राम टेलिंग कंप्यूटर टू डू, वेरी इजी क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी रोम की बात कर रहा है, डीवीडी रोम हैज अ लार्ज कैपेसिटी अप टू 17 GB इफ बोथ लेयर एंड बोथ साइड आर यूज्ड। सीडी रोम की अगर दोनों साइड को हम यूज़ कर करें तो दोनों लेयर्स को यूज़ हम करें तो आप उसमें 17 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और लार्जेस्ट होते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा आपका ऑप्शन में अगर ब्लू रे डिस्क होता है BRD होता तो आप आंसर वो कर देके कि वो सबसे ज़्यादा स्टोरेज करता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आर ईच कंप्यूटर टू बी वायरिंग इन द नेटवर्क। एक तरीके का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है सभी कंप्यूटर के लिए नेटवर्क की कनेक्शन के वायरिंग की तरह काम करता है। व्हाट इज़ द इनिशियल पेज ऑफ द वेबसाइट, इनिशियल पेज ऑफ द वेबसाइट क्या होता है, होम पेज इज़ द राइट आंसर। आपका बोल्ड लेटर में जो लिखा हुआ है आपका वो राइट आंसर है, ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर सेलेक्ट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म इट्स, इसको कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं। टू एग्जीक्यूट अ गिवन डॉस प्रोग्राम यू मस्ट टाइप एन कमांड्स, डीओएस का फुल फॉर्म होता है डॉस का, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पहले किसी एक मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डॉस को बनाने वाला जो थे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को अमेरिकन कोई था, लेकिन बाद में एमएस ऑफिस ने इसको परचेस कर दिया इसलिए इसको नाम अब एमएस डॉस करके आने लगा था। पीसी कार्ड, फ्लैश मेमोरी कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या है, सॉलिड स्टेज स्टोरेज डिवाइस है। इस सारे के सारे क्या क्या हैं, सॉलिड स्टेज स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUID इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड बाय कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर कंपोनेंट और प्रोग्राम। RAM is an example of volatile storage and serve as the computer's short-term memory. अभी इसका क्वेश्चन ऊपर किए थे, आपको समझ में आया होगा। When a computer print a report, this output is called a hard copy. कहने का मतलब कि प्रिंटर से प्रिंट कर लेते हैं तो वो क्या होता है, वो हार्ड कॉपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेंडिंग ऑर्डर द डेटा हायरार्की वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिए कि ये जो फाइल्स होती हैं डेटाज होती हैं इनके पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा बीट होता है, उसके बाद बाइट होता है, उसके फील्ड होता है, रिकॉर्ड होता है, फाइल, सबसे बड़ा डेटाबेस होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये सिक्वेंस हमेशा याद रखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपका बीच में से 2 दे दिया, इधर से 1 दे दिया, उधर से दे दिया और पूछ लेगा इसमें सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिट बाइट बीबी हो जाता है, बिट बाइट, FRF होता है, FRFD होता है, ऐसे याद करिए, FF होता है, बीबी होता है और बीच में R होता है, फिर D हो जाता है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, इंफॉर्मेशन डेटा इज मोर यूजफुल और इंटेलिजिबल फॉर्म होते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और फ्लॉपी डिस्क कंटेंट्स, फ्लॉपी डिस्क को क्या कंटेंट करते हैं, बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर। फ्लॉपी डिस्क जो होते हैं सर्कुलर एंड सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर दोनों को वो क्या करते हैं, कंटेंट्स करते हैं। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। प्लॉटर के थ्रू हमें हाई क्वालिटी के ड्राइंग या ग्राफिक्स को आउटपुट के तौर पर यूज़ करते हैं। Which of the following is a graphical package? तो graphical package क्या है गाइस, इसमें MS Excel नहीं है, Word नहीं है, कोरल ड्रॉ जो है आपका graphical package है, बड़ा बेहतरीन सॉफ्टवेयर होता है, कभी यूज़ करिएगा इसको। माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ। तो माउस ये एक तरीके के पॉइंटिंग डिवाइसेज, यानी कि इनपुट डिवाइसेज बट इनको पॉइंटिंग डिवाइसेज भी कहते हैं। द इंटरनेट यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, इंटरनेट कौन क्या यूज़ करता है, पैकेट स्विचिंग, ठीक है, पैकेट स्विचिंग क्या होती है, सर्किट स्विचिंग क्या होती है, ये हमने सब इंटरनेट की वीडियो में, नेटवर्किंग की वीडियो में अपलोड किया हुआ है। अब इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, IP का फुल फॉर्म, तो आप अगर इस तरीके से इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट के लिए क्या यूज़ करते हैं, पैकेट स्विचिंग यूज़ करते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा।
व्हाट यूड यू यूज फॉर इमीडिएट रियल टाइम कम्युनिकेशन विद अ फ्रेंड्स। तो इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो गाइस ये 50 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आपको बार बार मिलती रहेंगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के बटन को ज़रूर दबाइए भाई। इसको दबाने से क्या होता है कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे गाइज, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।